नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की पोएट्री अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आइए शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इट नेवर फेड्स नॉर विल इट एवर पास इनटू नथिंगनेस। It gives us peace and a sleep full of sweet dream. We are bound to the beauties of the earth. एक सुंदर चीज हमेशा मजे का सोर्स होती है। इसकी ब्यूटी बढ़ती जाती है, वो कभी भी कम नहीं होती। ये हमें शांति और अच्छे सपनों वाली नींद देती है। हम अर्थ की सुंदरता से जुड़े हुए हैं। We suffer from malice and disappointment. We lack good human qualities and noble nature. This thing make our life gloomy. We also develop unhealthy and evil ways. They cause us nothing but suffering and pain. हम हमेशा निराशा से दुखी होते हैं। हम में good human qualities की कमी है। ये बातें हमारे जीवन को उदास बना देती हैं। हम इससे unhealthy और बुरे रास्ते यानी evil ways की तरफ चले जाते हैं। ये हमेशा दुख ही पहुंचाती हैं। In spite of all these suffering, mankind has a hope. A thing of beauty never disappoints us. It is never deviate. Some shapes of beauty removes that pall of sadness and suffering that covers our spirits. इन सभी मुसीबतों के बावजूद हमें एक उम्मीद है। एक सुंदर चीज हमें कभी निराश नहीं करती। सुंदरता का कोई भी रूप हमारे अंदर से उदासी और दुख हटा देते हैं, हमारी फीलिंग्स को ढके हुए हैं। The sun, the moon, trees, beautiful flowers, small streams are constant source of happiness. These beautiful things of nature make our lives sweet, soothing and happy. Sun, moon, tree और flowers हमारे happiness के sources हैं। Environment की ये सुंदर चीज़ें हमारे जीवन को शांत और खुशहाल बनाती हैं। These beauties of nature are lovelier than all lovely tales that we have heard or read. Nature is an endless fountain pouring into us a heavenly immortal drink. Environment की ये सुंदरता उन सभी सुंदर कहानियों से जो हमने पढ़ी है या सुनी है, उन सबसे सुंदर हैं। एनवायरनमेंट वो फाउंटेन है जो कभी खत्म नहीं होता, हमें पूरे जीवन भर अमर के रूप में पिलाता रहता है।